मित्रों नमस्ते, आइए हम बलराम चौरसिया यूरोलॉजी बीएल नॉलेज पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को चार भुजाओं की इस छोटी आकृति से सूचित करते हैं। चार भुजाओं से घिरा समतल क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है, जिसमें चार भुजाएं होती हैं। देखिए, ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी है। चार भुजा है और इसमें चार कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। चार कोण है और इसमें दो विकर्ण होते हैं, ए सी विकर्ण हो गया और बी डी हो गया। और चारों कोणों का जोग 360 डिग्री होता है। और देखिए, ए डी का सम्मुख भुजा बी सी हुआ, मतलब सामने का भुजा, और ए बी का सम्मुख भुजा डी सी हुआ। तो कोण देखिए, दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये 360 डिग्री होगा। अब चतुर्भुज के प्रकार पढ़ते हैं। चतुर्भुज का प्रकार देखिए, पहला प्रकार है समानांतर चतुर्भुज, मतलब पैरालेलोग्राम। चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर होती है। देखिए, यह ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें ए बी के समानांतर है सी डी, इसकी लंबाई ए है तो इसकी भी लंबाई ए होगी, मतलब बराबर लंबाई, और एक दूसरे के समानांतर, ये कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेगी। ए डी के समानांतर भुजा है बी सी, और ये जो है लंबाई में बराबर होंगी और एक दूसरे के समानांतर होंगी। देखिए, ए बी बराबर सी डी और समानांतर भी। उसी तरह ए डी बराबर बी सी और समानांतर भी। समूह कोण बराबर होते हैं। यदि कोण ए बराबर एक्स डिग्री है तो कोण सी बराबर भी एक्स डिग्री होगा। यदि कोण डी बराबर वाई डिग्री है तो कोण बी बराबर भी वाई डिग्री होगा। समूह कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, कोण सी बराबर कोण ए, मतलब कोण सी बराबर कोण ए, समूह कोण बराबर, उसी को लिखे हैं। अब परिमाप इसका ए प्लस ए, मतलब दो भुजाएं समान होती तो दो बार लिख दिए, प्लस बी, मतलब दो भुजाएं दूसरी समानांतर भुजाएं समान होती हैं, तो इसको 2a हो जाएगा और 2b हो जाएगा। तो 2 × a + b कॉमन लेके लिख सकते हैं। क्षेत्रफल इसका आधार गुणे ऊंचाई, ये आधार होता है और यहाँ शीर्ष लंब से जो लंब डालिएगा ये h ऊंचाई होती है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इस आधार में इस ऊंचाई से गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र है विकर्ण गुणे आमने सामने के शीर्ष से लंबी दूरी। ये विकर्ण गुणे ये आमने सामने के शीर्ष से लंबी दूरी गुणा करते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। चाहे दूसरा इसका क्षेत्रफल का सूत्र है 2 × इसमें देखिए दो त्रिभुज है ए बी डी, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के दो से गुणा करिएगा तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। या फिर बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल के हीरो सूत्र से आप दो से गुणा कर दीजिएगा तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2 × त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, या 2 × त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इसमें एक कोण 130 दिया है, ए बी 130 दिया है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए, कोण ए प्लस कोण बी कोण सी कोण डी जोड़ेंगे 360 आएगा। तो ए का मान 130 दिया है, बी का मान नहीं दिया है, सी का 130 है, डी का नहीं दिया है, तो जोड़ेंगे तो 260 इसका आ जाएगा। अब बी प्लस डी का निकालना है तो 360 में से 260 कटा, 100 हुआ। ये दोनों बराबर होती हैं तो एक्स एक्स मान लिए तो 2x = 100, मतलब x = 50, तो ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। उसके बाद देख लीजिए, दूसरा क्षेत्रफल निकालने का, एक इसका 8 है भुजा, दूसरा समानांतर 8 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। अब इसका आपको परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो परिमाप निकल गया। और आपको यदि मान लीजिए ए बी डी एक त्रिभुज है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो एस निकालना है, तो तीनों भुजाओं एक भुजा ये भुजा तीनों को जोड़ के दो से भाग दीजिए तो एस का मान 12 आ गया। अब क्षेत्रफल हीरो के सूत्र पर निकालिए तो s × s − a × s − b × s − c, तो 12 × 12 − 6 × 12 − 8 × 12 − 10, तो देखिए ऐसे निकल गया। इसका क्षेत्रफल आ गया 24 m² त्रिभुज का। तो पूरे का निकालना है तो दो से गुणा कर दीजिएगा तो 48 m² इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अब आयत पढ़ते हैं। आयत क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए, आमने सामने के भुजा बराबर और समानांतर होते हैं। इसका एडी का आमने सामने का भुजा है बी सी, ये जितना लंबाई का होगा उतना लंबाई का ये भी होगा और समानांतर होगा। एडी ए बी के समानांतर है सी डी, ये जितने लंबी होगी इतने लंबी ये भी, और चारों कोण इसमें समकोण होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। विकर्ण देखिए ए सी बराबर बी डी होगा। तो
इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई में चौड़ाई से गुणा करिए क्षेत्रफल निकलेगा। परिमाप होगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, दो लंबाई होता है और दो चौड़ाई होता है, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई लिख देते हैं। और बिकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, चूंकि समकोण त्रिभुज है इसलिए लंबाई स्क्वायर में चौड़ाई स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो ये बिकर्ण निकल जाता है, कर्ण निकल जाता है। तो देखिए, एक दिया है 4 लंबाई और 2 दिया है चौड़ाई, तो क्षेत्रफल 2 × 4 मतलब 8 मीटर स्क्वायर। परिमाप निकालना है तो 2 × 4 + 2 मतलब 12 मीटर स्क्वायर। और इसका बिकर्ण निकालना है तो 4 स्क्वायर + 2 स्क्वायर मतलब √20 बराबर 2√5 मीटर, इसका आ गया बिकर्ण। अब इसमें आयताकार खेत के अंदर या बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो L1 B1 घटाओ L2 B2। देखिए यहाँ पे अंदर एक खेत है, इसके बाहर चारों तरफ आयताकार सड़क बना है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। मान लीजिए 7 मीटर लंबे और 5.6 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 30 सेंटीमीटर जगह छोड़कर कालीन बिछाना है, तो कालीन का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यह कमरा है 7 मीटर लंबा और 5.6 मीटर चौड़ा, और इसमें 30 सेंटीमीटर चारों तरफ छोड़ के ये कालीन बिछा रहे हैं, चटाई बिछा रहे हैं, तो इसका कालीन का क्षेत्रफल और इस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो कमरे का क्षेत्रफल आयताकार है तो 7 मीटर × 5.6 मीटर बराबर 39.2 मीटर हो गया। अब कालीन का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो कालीन का देखिए 30 सेंटीमीटर इधर से भी घट जाएगा, इधर से भी घट जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर घट गया, तो 7 मीटर में से 60 सेंटीमीटर घट जाएगा, तो 6.4 मीटर इसका, तो कालीन का लंबाई होगा 6.4 मीटर। और चौड़ाई देखिए, चौड़ाई में से भी 30 सेंटीमीटर इधर से घटेगा, 3 सेंटीमीटर इधर से 60 सेंटीमीटर घटेगा, तो चौड़ाई हो जाएगा 5.6 मीटर, 60 सेंटीमीटर घटाएगा तो 5 मीटर इसका चौड़ाई हो जाएगा। तो कालीन का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 6.4 मीटर × 5 मीटर बराबर 32 मीटर स्क्वायर, इसका कालीन का क्षेत्रफल हो गया। तो रास्ते का निकालना है, तो कमरे में से कालीन का घटा दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल कमरे का आ गया 39.2 और कालीन का है 32, तो घटाइएगा तो 7.2 मीटर स्क्वायर क्या आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब एक पढ़ना है आपको, यदि आयत के प्रत्येक भुजा को x गुना बढ़ा दिया जाए तो परिमाप x गुना और क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एक 4 मीटर लंबी है, चौड़ाई 2 मीटर है, तो इसका 2 गुना बढ़ा दिए तो 8 मीटर हो गया लंबाई और 4 मीटर हो गया चौड़ाई। तो पहले का क्षेत्रफल देखिए 4 × 2 8 मीटर स्क्वायर हो गया, और दूसरे का क्षेत्रफल देखिए 8 × 4 = 32 स्क्वायर हो गया, तो इसका 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, 2 स्क्वायर गुना बढ़ गया। देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर गुना मतलब बढ़ गया 4 गुना। और परिमाप देखिए यहाँ पे 12 है, 2 × 4 + 2 मतलब 12 मीटर है, यहाँ पे परिमाप क्या हो गया 8 + 4 × 2 मतलब 24, तो क्या हो गया परिमाप हो गया 2 गुना बढ़ गया, परिमाप 2 गुना बढ़ जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं विषमकोण, विषमकोण समचतुर्भुज। तो विषमकोण है बी समकोण मतलब इसमें कोई समकोण नहीं होता है, इसका रोम्बस होता है इंग्लिश। चार बराबर भुजाओं से घिरी हुई आकृति को समचतुर्भुज, विषमकोण समचतुर्भुज कहते हैं। देखिए इसमें कोई भी समकोण नहीं होता है, कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन इसके बिकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं, ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं। देखिए परिमाप इसका 4 × भुजा होता है, चारों भुजा बराबर होता है, तो 4 से गुणा करिएगा परिमाप निकल जाएगा। आ क्षेत्रफल 1/2 × पहला बिकर्ण गुणे दूसरा बिकर्ण। आप देखिए AC² + BD² बराबर 4A², तो AC² ये बिकर्ण प्लस दूसरा बिकर्ण का स्क्वायर बराबर 4 × 1 भुजा का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे विषमकोण समचतुर्भुज के बिकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर भाग में बांटते हैं, तो परिमाप यदि एक विषमकोण समचतुर्भुज दिया है तो इसका 4 मीटर प्रत्येक भुजा है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 × 4 मतलब 16 मीटर। और देखिए यदि BD और BD² निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 4² + 4² मतलब 32√32, तो 4√2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं BD² + AC² बराबर 4 × भुजा स्क्वायर, तो BD² 32 आया है और AC² नहीं पता है, तो 4 × भुजा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो AC² हो जाएगा 64, ये 64 हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 में से 32 घटेगा तो 32,
तो ये AC बराबर रूट अंडर 32 मतलब 4√2। तो क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण है 4√2 गुणा दूसरा विकर्ण है 4√2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और √2 × √2 बराबर 2 हो गया, तो 8 दूनी 16 मीटर स्क्वायर ऐसे भी आ गया। अब देखिए स्क्वायर पढ़ना है वर्ग। चार भुजाएं से घिरी आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं और एक दूसरे के समानांतर होते हैं। देखिए चार भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, सभी कोण इसका 90 डिग्री होता है, और विकर्ण इसके एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा बराबर भुजा स्क्वायर, इसका दूसरा क्षेत्रफल 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, परिमाप 4 × भुजा होता है, विकर्ण बराबर √2 × भुजा या √2 × वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर ये रूट को काट दिया तो √2 × भुजा हुआ। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक वर्ग दिया है, 4 4 मीटर का इसका भुजा है, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा स्क्वायर 4 चौका 16 मीटर स्क्वायर हो गया। अब विकर्ण चूंकि AC बराबर BD होता है, तो विकर्ण बराबर 4 4 स्क्वायर + 4 स्क्वायर मतलब √32 मतलब 4√2, तो √2 × भुजा यहाँ पे आ गया, √2 और एक भुजा 4 है, तो इस सूत्र पे भी आ गया, विकर्ण बराबर √2 × भुजा होता है, तो √2 × भुजा हो गया। अब क्षेत्रफल 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, तो दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं, तो 1/2 × 4√2 × 4√2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 मीटर स्क्वायर ऐसे भी आ गया क्षेत्रफल। एक बात और पढ़ते हैं, यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा को x गुना बढ़ा दिया जाए तो परिमाप x गुना और क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। जैसे देख लीजिए एक वर्ग है यहाँ पे 3 मीटर प्रत्येक भुजा है, यहाँ पे 2 गुना बढ़ाए तो 6 6 हो गया, तो क्षेत्रफल निकाले तो 9 और यहाँ पे निकाले क्षेत्रफल तो 36, तो 4 गुना बढ़ गया, एक्स स्क्वायर गुना बढ़ गया, और परिमाप इसका निकाले तो 4 3 12 हो गया और इसका 4 6 24, तो 2 गुना इसका परिमाप बढ़ गया। आप इस आकृति में देख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के परिमाप निकाल के। अब देखिए पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का इंग्लिश होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखिए चार भुजाओं की आकृति जिसमें केवल 2 भुजाएं समानांतर होती हैं। देखिए ये 4 भुजा की आकृति है, चतुर्भुज है, और इसमें ये भुजा एक दूसरे के समानांतर होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका AD समानांतर है BC के। क्षेत्रफल होता है 1/2 × ऊंचाई, ये ऊंचाई होता है और गुणे समानांतर भुजाओं का जोग, तो 1/2 × ऊंचाई H है और इंटू समानांतर भुजाओं का जोग मतलब AD + BC। तो देखिए यदि यहाँ पे एक भुजा 6 दिया है, एक भुजा 10 दिया है, ऊंचाई 4 दिया है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 × 4 ऊंचाई है 4 और समानांतर भुजा 6 + 10, तो 2 बार में कट गया, तो 2 × 10 = 16 हो गया, 32 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय मां सरस्वती।